यार सुबह मैं उठी, मेरे सामने घड़ी लगी थी, मैंने उसे देखा और मेरा एकदम से त्राव निकल गया कि मैंने कहा 12 हो गया और मामा ने मुझे जगाया नहीं है। पहले मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार ये रात के 12 होंगे, लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक बात आई कि यार देखो धूप निकली हुई है, ये दिन के 12 हैं। फिर फोन उठाने के बाद उसे चेक करने के बाद पता चला कि सैटरडे है, आज मुझे छुट्टी है, सैटरडे है। तो फिर मैंने कहा थोड़ी पार्टी करते हैं, थोड़ा अच्छा नाश्ता, बड़ा प्यारा खूबसूरत किस्म का नाश्ता करेंगे। सब्जियां काट ली, नहीं उससे पहले मैंने ट्राईपॉड लिया, उसके ऊपर फोन लगाया उसको चिपकाने के बाद, क्योंकि मेरा ट्राईपॉड टूटा हुआ है इसलिए। उसके बाद मैंने क्या किया कि रिकॉर्ड करने शुरू कर दी वीडियो। मैंने बड़ी प्यार से सब्जियां काटी, उनको अंडे के साथ मिक्स किया, फिर जी मैंने तवा लिया और जिस बात का डर था वही हुआ। मतलब ऑयल शॉयल डाल के बड़ा मस्त किस्म का हम लोगों ने उसके ऊपर अंडा डाला। मैंने कहा बड़ा कोई प्यारा अंडा बनेगा, बड़ा कोई प्यारा ऑमलेट बनेगा, इसके अंदर चीज डालेंगे, उसके अंदर ब्रेड रखेंगे, फिर इसे आराम से खाएंगे। ऐसे ना बिल्कुल अमीरों वाली रिच रिच वाइब्स आएंगी, बड़ी प्यारी सी इंस्टाग्राम स्टोरी मेरी बन जाएगी। लेकिन हुआ कुछ यूँ है कि मैंने सादा गोल रोटी बनाने वाला तवा ले लिया, जो कि मुझे नहीं लेना था, मुझे लेना था नॉन स्टिक पैन, जो कि मैंने अपनी लेजीनेस की वजह से दराज से निकालना गवारा नहीं किया। और फिर उसका हमियाजा मुझे ये भुगतना पड़ा है कि आप लोग खुद देख ले, आप लोग खुद देख ले, मैं बता नहीं सकती मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे इतनी सी उम्मीद रह गई थी कि यार इतना जद्दी मैंने इतनी मेहनत की अंडे के ऊपर, वो नहीं ख़राब होगा। लेकिन जब उसके साथ ये हुआ ना, तो मतलब मैं नहीं बोल सकती उसे, आप खुद देखें। पहला जो दर्द हुआ था मेरे दिल के अंदर इसको टूटने का हुआ था, और दूसरा मुझे अब हो रहा है जब मैं इसे एडिट कर रही हूँ। मतलब दिल के अंदर से ऐसे ना ज्वालामुखी बनी है कि यार ऐसा क्यों मैंने किया, मैं मतलब इतनी लेजी क्यों हूँ, क्योंकि मैं पैन निकाल सकती थी लेकिन मैंने नहीं निकाला। चलो कोई नहीं, इस टाइम मुझे लगा था कि चलो अब मैंने इसे जोड़ दिया था चिमटे से ना टम टम करके। लेकिन जब मैंने इसे उठाया दोबारा प्लेट में निकाला, फिर इसके चीथड़े चीथड़े उड़ गए थे। तो अस्तग़फ़िरुल्लाह, मैं क्या करूँ, मैं आंखें बंद करके एडिट कर लेती हूँ। पर कोई नहीं जी, खाने की चीज़ थी, मज़े की थी, टेस्टी थी, मैंने खाई, मज़ा आया। लेकिन सॉरी इंस्टाग्राम स्टोरी मेरी रह गई है। फिर मैंने सोचा कि इतना दिल हराश हुआ क्या हुआ आज मेरे साथ, आज मुझे आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए कि हर दफ़ा हर चीज़ प्यारी नहीं बनती, कुछ चीज़ें हमारी भी ख़राब हो जाती हैं। उसमें ये नहीं कहना कि बस हाँ अब तो कुकिंग होगी नहीं, भाई मैंने खुद कोई करोड़ चीज़ें ख़राब की हैं, और कुछ तो खाने के काबिल भी नहीं होती थी। ये मैं खा सकती थी लेकिन कुछ खाने के काबिल भी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी एक्सपेरिमेंट्स किए, डिफरेंट किस्म की चीज़ें बनाई और सब में बहुत इंजॉय किया। और ये जो वीडियो मैं आपको बता रही हूँ ना, आप लोगों ने भी इसी तरह बना लेना है, क्योंकि नॉनस्टिक होता है ना, फिर उसके अंदर चीज़ चिपकती नहीं है, इसलिए वो अच्छा बन जाता है। सेंटर में मैंने इसकी चीज़ डाली थी और ये चीज़ और चीज़ हो गया था, लजीज और लजीज हो गया था। और मैं कहती हूँ कि बस मुँह में पानी आ गया, बस तुम लोग ट्राई करो। और ये वाली रेसिपी, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तुम लोग वो भी देख लेना, और मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, क्योंकि उस पर मैं बहुत ज़्यादा इस तरह की स्टोरीज और इस तरह की चीज़ें लगाती रहती हूँ, जो कि ख़राब भी होती हैं, कुछ सही भी हो जाती हैं। और मिडनाइट स्नैक्स की रेसिपी तो आती रहेंगी, क्योंकि अपन को रात को बहुत भूख लगती है, इसलिए तो फिर मेरे को फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे भी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना, अपने प्यारों का ख्याल रखना, उनके लिए प्यारी प्यारी चीज़ें बनाना। ओके बाय।